हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं संतोषी आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे मदर डॉटर ब्लॉग्स में। कैसे आप सब? अभी सुबह सुबह मैं बना रही हूँ ब्लॉग। सुबह सुबह मतलब अभी बज रहा है 8:30। व्हाट हैपन? ओके, कम हियर, कम हियर। आरुषी भी ब्लॉग में आएगी करके रो रही है। ये यहाँ पे रख दो। हाँ, देखिए आरुषी से गुड मॉर्निंग। ओके ओके, यू विल लेट अप। से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, वो देखिए सुबह सुबह ना वो बिंगो लेस ये सब खाएगी करके जीत पकड़ी है। ओके, तो गुड मॉर्निंग से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। खा रही है, देखो सुबह सुबह स्टार्ट हो गया उसका। शायद भूख लग रहा था उसको, कल रात कुछ नहीं खाई थी ना, इसलिए बिस्कुट दी नहीं खाई। तो अभी मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट फटाफट से बना लूँगी, वो खा लेगी आज। उपमा या रागी खाएगी। ओके, तो कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर बताइए। आज सुबह सुबह ब्लॉग बना रही हूँ। आज ऑलरेडी मैं सुबह सुबह इसलिए उठी क्योंकि मुझे ना अभी मैसेज आया कि वो डिलीवरी आने वाला है कुछ फ्लिपकार्ट का। ग्रोसरी तो ऑर्डर कर चुकी थी, ग्रोसरी नहीं चाहिए था हमें। मैं बस वेजिटेबल्स ऑर्डर की थी और स्नैक्स आइटम कुछ ऑर्डर की थी, वो आने वाला है इसलिए कॉल किया था सुबह सुबह। तो इसलिए मैं मुझे उठना पड़ा, मतलब उठना पड़ा मतलब मैं कब से उठ के बैठी हूँ और अभी तक नहीं आया है वो लोकेशन पूछने के लिए कॉल किया था। बल्क अमाउंट में थोड़ा था इसलिए। तो आरुषि भी मेरे साथ उठ गई है सुबह सुबह। आरुषि आजकल उसका तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो जल्दी उठ जाती है। बट अभी तबीयत ठीक हो गया ना मामा? आर यू ओके नाउ? थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है उसको, थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर में। ओके, दवा इवनिंग के दवा हम खाएगा कुछ भाई, ये खाएगा ब्रेकफास्ट खाएगा। ओके, तो ऐसे ही कैसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं उठ के कंगी वंगी करके बैठी हूँ, अभी ब्रेकफास्ट बना लूँगी या फिर नहा के, मैं सोच रही हूँ नहा के आके ब्रेकफास्ट बना लूँगी। ये रही आपकी आरुषि, खा रही है सुबह सुबह चिप्स। आरुषि से समथिंग टू फ्रेंड एवरीवन, से समथिंग। हाउ आर यू ऑल? से हाउ आर यू ऑल? नो, व्हाई मामू? को आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई एम नॉट फीलिंग वेल। यू आर नॉट फीलिंग वेल? ओ लो मोर, नो नो। ओके, तो आ गया शायद, एक मिनट, पता नहीं क्या लेके आया ग्रोसरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखे, मैं वो भैया को बोली कि अंदर थोड़ा रखने के लिए, क्योंकि इतना सारा अगर बाहर रखेंगे तो फिर मुझे अंदर लाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे रुकेगा, फिर मैं उसको सब साइज करके रखूँगी उसके जगह पर, ग्रोसरी के जगह पर, इसलिए भैया यहाँ पे अंदर रख दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए, और जिसका सुबह से इंतज़ार कर रही थी वो घड़ी आ गया है, सब आ गया है। तो अभी मैं चलती हूँ ब्रेकफास्ट फटाफट से बना लेती हूँ। आरुषि भी भूखी है। तो फ्रेंड्स देखिए, वेजिटेबल्स फ्रूट्स और स्नैक्स आइटम्स आ चुका है। ग्रोसरी ऑलरेडी मैं मंगवा चुकी थी, इसमें ग्रोसरी का कुछ है नहीं, बस थोड़ा सॉस वॉस है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं जो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ना, मैं खा के मतलब ब्रेकफास्ट की, लंच की, सब काम हुआ घर में, फिर ना मैं सो गई थी, तो अभी उठ रही हूँ और मुझे याद आया। वैसे तो मैं बोल चुकी थी कि क्या कुछ स्पेशल ओकेजन आने वाला, तो मैं अभी बोलना चाहूँगी कि वो जो स्पेशल ओकेजन है वो है मेरा एनिवर्सरी। मेरा मतलब हमारा एनिवर्सरी आ रहा है, तो उसके लिए मैं, हम लोग कुछ शॉपिंग किए थे जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग कहीं बाहर गए थे। तो बहुत कुछ तो नहीं, आरुषि भी की, इसके पापा भी किए, मैं तो उनका नहीं दिखाऊंगी पर मेरा ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने क्या शॉपिंग किया। तो मैं क्या क्या ली हूँ शॉपिंग, एनिवर्सरी गिफ्ट भी बोल सकते हैं या फिर एनिवर्सरी में पहनने के लिए भी बोल सकते हैं। वैसे भी और भी कुछ स्पेशल आने वाला है फरवरी में ही, तो उसके लिए भी फिर से शॉपिंग करना है। तो अभी इतना कुछ नहीं की हूँ, तो अभी फ़िलहाल देख लीजिए आरुषि क्या कर रही है, उठ के बैठी है मासूम सी। हाँ, मैं बोलना चाहूँगी आरुषि की तबीयत जो है अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी बच्ची थोड़ा गुमसुम रहती है। से हाय टू एवरीवन।
से डोंट से रूडली ओके से हाय हाय ओके तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ, चलिए चलते हैं। हाँ तो जैसे कि मैं आपको बता दी हूँ मेरा हमारा एनिवर्सरी है 2 दिन के बाद और मैं आपको सारा ड्रेस दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ मैं आपको सारा ड्रेसेस दिखाऊंगी और आपको कमेंट करना है कि मैं उसमें से कौन सा एनिवर्सरी में पहनूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैक्स से लेके आई हूँ, हाँ मैक्स से एक जीन्स लेके आई हूँ, जीन्स तो मैं नहीं पहनूंगी सबसे पहले बोल दे रही हूँ, और 2 ड्रेस लेके आई हूँ उसमें से एक आपको चूज करना है कि मैं कौन सा एनिवर्सरी में पहनूंगी, और इसका कमेंट आपको जल्दी जल्दी देना है क्योंकि मेरा एनिवर्सरी जो है और 2 दिन के बाद ही है ओके। तो हाँ ये वाला जीन्स लेके आई हूँ, देखिए ऐसा है ये जीन्स, और अभी जो आता है ना बेगर जीन्स या बेगी जीन्स बोलते, ये क्या जीन्स है मुझे नहीं पता, ऐसे पलाजो के तरह है। तो ये वाला एक जीन्स लेके आई हूँ जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होगा, और ये कलर मेरे पास था एक्चुअली, लेकिन वो जो होता है वो नॉर्मल जीन्स था, ऐसे प्लाजो टाइप नहीं था, इसलिए मैं ये वाला जीन्स एक लेके आई जो कि अभी ट्रेंडिंग में है, और विंटर के लिए एक टॉप लेके आई जबकि विंटर जाने वाला है, फिर भी मुझे ये टॉप बहुत ही अच्छा लगा, इसमें लिखा है कोजी, ऐसे कपड़ा है, मैक्स से ही लेके आई हूँ ये वाला भी, ये 1049 लिखा है लेकिन कुछ डिस्काउंट जाके 700 समथिंग लिया ये वाला, देखिए व्हाट हैपेंड बोलो, हाँ पापा रोच वो बोल रही है, पापा का भी दिखाओ ओके व्हाट यू आर फीलिंग स्लीपी ओके स्लीप हियर ओके। तो ये एक टॉप है और 2 ड्रेस लेके आई हूँ, ये वाला एक मैक्स से लेके आई हूँ, दूसरा मैं क्या जो अपने घर गई थी ना उड़ीसा वहाँ से एक लेके आई हूँ, वो मैं दिखाना भूल गई थी एक्चुअली, उड़ीसा से मैं और 2 एक्स्ट्रा ड्रेस लेके आई हूँ जो कि मैं आपको प्रीवियस ब्लॉग में नहीं दिखा पाई क्योंकि उस दिन रात को ही मैं लेके आई, जिस दिन आने वाली थी उसके पहले रात को, तो एक तो मैं प्लाजो एंड कुर्ती लेके आई थी वो वाला मैं आपको दिखाई नहीं हूँ अभी तक ब्लॉग में, दूसरा और एक ड्रेस लेके आई थी वो वाला शायद मुझे लग रहा है कि वो पहनना चाहिए एनिवर्सरी में, वो भी दिखाऊंगी, उड़ीसा से एक लेके आई थी और एक मैक्स से कल लेके आई, कल मतलब जब गई जो गई थी पिछली बार, हाँ ये वाला एक लेके आई हूँ, ये वाला ड्रेस एक लेके आई हूँ, ये कोल सोल्जर है लेकिन ऑफ सोल्जर ऐसे कुछ बोलते हैं, लेकिन ये ना मैं से ये मैं पहनूंगी, मैं तो नॉर्मली पहनूंगी ये, ऐसे नहीं पहन कैसे रखी हूँ, ऐसे ही बैग में रख दी थी इसलिए कैसे मोचा कोचा दिख रहा है। तो ये कलर ब्लू कलर है, शायद आपको लाइट में दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे ब्लू कलर है, थोड़ा वायलेट या पर्पल ऐसे कुछ दिख रहा है लेकिन ये ब्लू कलर है, हाँ तो ये क्या है ऑफ सोल्जर है लेकिन मैं उसको ऐसे ही पहनने वाली हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं पहन सकती ये जो इलास्टिक है बहुत नहीं हल्का है, पहन सकते हैं शायद ओके कोई नहीं। तो ये एक ड्रेस लेके आए, एक लंबा गाउन जैसा है, देखिए लंबा गाउन जैसा है इसको, ये जो सिफली, इसको सिफली वर्क ऐसे कुछ बोलते हैं ना, सिफली वर्क, हाँ ये वर्क मुझे बहुत पसंद है, आप ना ऐसे ऐसे वाला मेरे पास ऑलरेडी एक है, आप देखे होंगे पिछले ब्लॉग कहीं पहनी थी मैं, वो डेली यूज वाला था, वो वाला जस्ट 1 पीस नी एबव नी ऐसे कुछ था वो वाला, उसके साथ में लेगिंग्स या जीन्स भी पहन लेती हूँ, तो एक है मेहंदी कलर का और एक मैं ये वाला पूरा गाउन लेके आई हूँ, पूरा लंबा सा ड्रेस, हाँ ये वाला बर्थडे में पहनूंगी या मैं, और एक दिखाऊंगी अभी जो मैं अपने घर से मतलब उड़ीसा से लेके आई थी, ये तनसेना वन ऑफ माई फेवरेट कलर नेवी ब्लू, हाँ देखिए। तो ये है वो ड्रेस जो मैं एनिवर्सरी में पहनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ सजेशन चाहिए कि मैं ये वाला पहनूँ या फिर ये वाला, दोनों गाउन है, ड्रेस ही ड्रेस है और पूरा नीचे तक का पूरा लंबा ड्रेस है, और ये ड्रेस का ना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है मतलब ये वाला हैंड, तो मैं ये वाला एनिवर्सरी में पहनूँ या वो ब्लू वाला, दोनों ही ब्लू है, ये नेवी है, नेवी ब्लू है, वो वाला लाइट ब्लू है, और इसका हैंड जो है ऐसे सागर किनारे ऐसे गाना गा सकते हैं आप, ये ड्रेस ना कुछ सूट के लिए भी अच्छा लगेगा, ये वाला मेरी बहन चूज की थी
अब मैं ये लेके आ गई। तो बोली दीदी ये कलर तुझ पर अच्छा लगेगा, ले ले करके बोली, तुम्हें ये लेके आई हूँ। और आप बोली अभी एनिवर्सरी में मुझे कौन सा पहनना है, या फिर कोई भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी अच्छा नहीं लगेगा अभी तो भी मेरे पास एक है, मैं इसमें से कुछ चला देती हूँ, वो एनिवर्सरी के लिए ज़्यादा हैवी हो जाएगा, जो भी है वो कुछ पार्टी वार्टी आएगा तो पहनूंगी, या फिर कुछ फंक्शन होगा तो पहनूंगी। हाँ तो ये दोनों ही मुझे सिंपल सूटवेयर चाहिए। तो ये वाला एक है, इसका हैंड्स ऐसे हैं, तो ऐसे है इसका दोनों हैंड्स। तो कौन सा वाला पहनूंगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, और जल्द ही बताना है कौन सा वाला पहनूंगी, क्योंकि और 2 दिन बाद ही है मेरा एनिवर्सरी और बहुत स्पेशल स्पेशल ब्लॉग्स आएंगे। तो देखिए आरुषि आ गई। ओके तो आपको ज़रूर कमेंट करना है, और मेरा ब्लॉग आपको कैसे लग रहा है आप जरूर कमेंट्स में बताइए। और अगर आप नया देख रहे हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कौन सा ड्रेस मैं एनिवर्सरी में पहनूंगी वो भी आप कमेंट में जरूर बताइए। ओके ओके शी सेड ओके। से एवरीवन टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel, Mother Daughter Blogs. अब तो आरुषि भी बोल दी यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी करो। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक फ्रेश और नए और शानदार एनिवर्सरी में। क्या होता है, मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, सब देखने के लिए मिलेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को। यस ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, से बाय।